एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज है फ्राइडे और सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरा बहुत सारा काम निपट गया, जैसे बच्चों को नहलाना, खुद पूजा वजा करना, जो भी है। और इतनी जो मतलब सुबह रूटीन फॉलो मैं क्यों कर रही हूँ, उसके पीछे भी बड़ी सी रीजन है, क्योंकि आज से मेरे बच्चों का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो 9 बजे से पेपर स्टार्ट है, तो उसके पहले मुझे कुछ कुछ काम जो है मुझे निपटाना होता है, जैसे कि बच्चों को नाश्ता देना, क्योंकि 2 घंटे बैठ जाएंगे तो फिर क्लासेस में तो उतना पॉसिबल भी होता है, पर एग्जाम में नहीं उठा सकते। तो उसी वजह से मैं अभी जा रही हूँ किचन में और कुछ नाश्ता वास्ता बच्चों के लिए दूंगी। वैसे तो मेरे पास थोड़ी सी सब्जी है रात की, तो मैं बस पूरी बना दूंगी, उसके साथ नाश्ता हो जाएगा बच्चों का, सिर्फ बच्चों का होगा, उसके बाद का नहीं पता कि किसके लिए क्या बनाऊंगी। लेकिन फिलहाल मैं बच्चों को नाश्ता कराने के बाद क्लास खत्म हो जाए उसके पहले थोड़ा सा कुछ नाश्ता बना दूंगी इन लोग के लिए, भैया लोग के लिए। उसके बाद खाना के लिए दादी आएंगी ही बनाने के लिए। तो बस चलिए, आज अभी थोड़ा कम बातें करूंगी, क्योंकि टाइम भी एक एक मिनट अभी कीमती है और बैठना भी पड़ता है बच्चों के साथ, आपको तो पता है पेपर में। तो बस चलिए, थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ रूम में और बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, तो सारे बच्चों को मैंने एक ही साथ बैठाया है और बस सब लगे हुए हैं अपने अपने एग्जाम के लिए। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा सैंडविच की तैयारी कर रही हूँ, हालांकि मैं मेयोनीज वाली सैंडविच बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने लिया था थोड़ा सा कॉर्न जो होता है, तो वो घर का था, तो मैंने सोचा चलो कच्चा है और मतलब बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे जो भी सब्जियां मेरे पास थी, गाजर, मूली, सॉरी गाजर नहीं था, कॉर्न है ये, और खीरा, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, ये सब सारी चीजें थी मेरे पास। तो ये सारी चीजों को मैंने चॉप कर लिया है चॉपर में, और ये है मेयोनीज जो कि नॉर्मली कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा आपको। और मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है थोड़ा सा नमक, और नमक के बाद मैंने डाला था इसमें काली मिर्च थोड़ी सी। तो बस ऐसा ही करके और बना के कभी खाना बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर ये मतलब सैंडविच बनाती रहती हूँ। और सैंडविच में ऐसा हुआ कि मैंने पहले तो बच्चों को दे दिया था पूरी, लेकिन सैंडविच जब बनी तो मम्मी मुझे भी चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी सैंडविच मैं लेके जा रही हूँ। सब बैठे बैठे अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ और अभी 1:30 बज रहे हैं, और पता है जस्ट इन लोगों का पेपर तो मतलब काफी पहले हो गया था, पर गुनगुन का थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ और छोटी है, लेकिन क्या कहूँ यार, मुझे लग रहा है कि गुनगुन को मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े छोटे छोटे मिस्टेक ऐसे होते हैं ना कि एकदम मेंटली रूप से डिस्टर्ब कर देते हैं, और मैं आज हो गई हूँ उसकी वजह से, और इन पे भी थोड़ा सा मेरा चिढ़ हो गया। दरअसल होता क्या है ना कि अगर अच्छा करे तो माँ ही सुने, बुरा करे तो माँ ही सुने, एक होता है। मेरे यहाँ भी आज इसी बात पे थोड़ी सी चिढ़ हो गई, लेकिन कोई नहीं, चलता रहता है वैसे। तो फिर अभी जस्ट फ्री हुई हूँ और उसके बाद फिर से 2 बजे से है कुछ पोएम मुझे डालना है मतलब उनके ग्रुप में, तो अभी तो भूख लग गई है मुझे। और वहां से क्या हुआ, छोटा बाबू, और छोटा बाबू के पास गई थी गुनगुन, क्या कर रहा है छोटा बाबू? छोटा बाबू कर रहा है। तो चलिए मैं किचन में देखती हूँ, पता है मुझे ये भी खुद नहीं पता है कि क्या क्या बना है क्या नहीं बना है, क्योंकि इसके साथ ही मैं बैठी रह गई थी और थोड़ा सा जो काम है वो बाद में होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। कुछ सब्जियां तो लगा दी थी, लेकिन यहाँ पे बताया खीरा, शिमला मिर्च और टमाटर लेकर आए हुए थे, और मैं ऐसे ही रख दी थी, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को मुझे टाइम ही नहीं मिला दरअसल आज कुछ करने का एक्स्ट्रा में। और खाने में मूली का साग कढ़ी कल की थी, बची हुई थी, तो मैं गरम करवा दी उससे, दादी आई थी, और आलू गोभी की एक सूखी सब्जी ये बनी है, चावल नहीं बनी, चावल अभी बनाऊंगी भी नहीं, थोड़ी देर बाद। कहीं नहीं गई थी मतलब आगे पीछे कुछ नहीं किया था, लेकिन 2-4 दिन तो ऐसे ही जाएगा ब्लॉग मेरा, क्योंकि बच्चों के साथ टाइम देना बहुत जरूरी है। और कल मतलब कल शाम को 6 बजे के करीब मैं एलबी आ रही थी, लाइव कर रही थी, अचानक से मेरे लाइव पे ऐसा कुछ हुआ कि मतलब वो लाइव पे स्ट्राइक आ गया था, और इस वजह से मेरी लाइव बंद कर दी गई है कुछ दिनों के लिए। मुझे कुछ पता नहीं है सच बता रही, मैं YouTube पे तो आ गई हूँ, पर YouTube के बारे में मुझे उतने अच्छे से नॉलेज में नहीं है कि क्या करना चाहिए, लेकिन थोड़े थोड़े दिन हो चुके हैं तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि फर्स्ट स्ट्राइक आया था एक वीडियो पे, जिसमें पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा या फिर नहीं, मेरे बेटे की जो जनेऊ की रस्में थी उसमें एक हल्दी की रस्म थी, जिसमें कुछ बच्चे पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जैसे कि कुछ किए हो या फिर जो भी कह सकते हैं, कहीं से साउंड आया हो, उस वाले वीडियो पे मेरा कॉपीराइट आया था, तो कॉपीराइट की वजह से मैंने जैसे जैसे करके उसे ठीक किया, और कल अचानक से मतलब एलबी पे आ गया और बोला गया था कि आपका एलबी मतलब कुछ दिनों के लिए बंद किया जा रहा है, तो प्लीज जो एलबी के लिए वेट कर रहे हो
उनको ये पता, मतलब मैं बता देना चाहती हूँ कि एलबी मैं नहीं कर पाऊंगी कुछ दिनों के लिए। मैंने भी सोचा था कि चलो मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, आप लोगों से बातें हो जाएगी, लेकिन शायद वो भी मंजूर नहीं वाईटी को, तो कोई नहीं, चलिए ऐसे ही बातें होती रहेंगी और ऐसे ही बस मिलना जुलना होता रहेगा वीडियो के थ्रू। तो चलिए थोड़ी देर बातें हो गई आप लोगों से और मैं मिलती हूँ एक दो घंटे बाद आप लोगों से। तो यहाँ पे बस एग्जाम खत्म होने के बाद मैं एक ही थाली में तीनों के लिए खाना ले लिया और गुनगुन को देख सकते हैं आप, बोल रही मम्मी नहीं खाना है। वैसे भी हाँ थोड़ा सा मैंने खिलाया उसे, और आज खाने में मैं चावल नहीं बनाई थी क्योंकि रोटी था, तो मैंने सोचा चलो रोटी ही सबके लिए हो जाएगा, तो बच्चों को भी खिला रही हूँ, खुद भी खा रही हूँ, गुनगुन को भी खिलाई और यहाँ पे टीवी चल रही है। कभी कभी होता है बच्चों को भी मन करता है, युग को स्पेशली बोलते हैं मम्मी आज तुम खिला दो, मैंने बोला चलो ठीक ही है अभी बच्चे ही हैं, बड़े हो जाने से क्या होता है, तो बस ऐसे ही होता रहता है। लेकिन पूरा रूम मेरा बिखरा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं रूम अपना सारा क्लीन कर ली हूँ और तब तक मम्मी का फोन आ गया था, तो मैंने मम्मी से बात करते करते सारा बेड को मतलब क्लीन किया, क्योंकि बेड पे ही बैठ के बच्चे टेबल लगा के, और अभी 2:30 से 3 का टाइम हो रहा होगा और मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि सुबह से मतलब बच्चों के साथ बैठे बैठे एकदम अजीब सा लग रहा था, बैठे बैठे थकान भी हो जाती है आप लोगों को तो पता ही है। तो बस यही है, चादर वादर लगा के रख रही हूँ, उसके बाद फिर अच्छे बच्चे रो मत, रो मत, नमा सुनो नट माय मेरा 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 नट माय 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 बस की करो ना उसको, हटो वो किसी को नहीं देखना चाहता, हटो हटो, सिर्फ और सिर्फ मुझे देखना चाहते हैं, अच्छा इनसे मिलो, ये देखो ये कौन है, इधर देख लो एक बार, देख लो ऊपर, देखो ऊपर ऊपर, हाँ ऊपर, बस सही जा रहे हो सही जा रहे हो, बस थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, देख लो कौन आ गया, कौन आ गया, कौन आ गया भाई, देखो कौन है, पूछ लो कैसे हो आप सब। और ये जरा प्यार गुनगुन बोल रही है कि बदला लोगे मेरे से। बदला लोगे मुझसे, हाँ बस सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो, निशाने पे लगा एकदम, देख लो सही। गुस्सा, इतना गुस्सा किस लिए कान्हा? बोल रहा है कि आप मम्मी के ब्लॉग पे सरप्राइज नहीं करते हैं। सरप्राइज नहीं बेटा, सब्सक्राइब। अच्छा नहीं नहीं, हो गया हो गया हो गया, टाइम है और 6 बज रहा है, मैं आ गई हूँ थोड़ा सा बाहर, हालांकि मैंने बच्चों को बोला था कि थोड़ा सा लाइट ऑन कर दे, लेकिन इतनी सुन ले वो लोग तो फिर बच्चे ही कैसे रह जाएंगे। और बस मैं आई हूँ, मुझे लगा कि बाहर है यो, कब से मैं बाबू के साथ ही थी, अभी जस्ट भाभी की तो बातें चलती ही रहेगी और दिन भर आज मतलब पूछे मत, कल छुट्टी है शायद, है ना एग्जाम की, हाँ कल छुट्टी है, तो बस ऐसे ही है, बस दिन भर इन लोग का एग्जाम के बाद मस्ती वस्ती थोड़ा सा हुआ है, उसके बाद फिर अभी बस मैं थोड़ा सा बाहर लेकर आ गई हूँ इन लोगों को टहलाने के लिए और खुद भी टहलूंगी। और पता है आज मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तेल तो मैंने नहीं लगाया लेकिन ऑटोमेटिक तेल जैसा हो रखा है मेरा बाल, और युग से बहुत मालिश करवाई है ना। और आज पता है युग का ना एक फेवरेट क्या था, टी शर्ट, मैंने उसे निकाल दिया घर से बाहर, जब देखो यार मतलब मैं परेशान रहती थी, इतने सारे टी शर्ट हैं इसके पास लेकिन कोई टी शर्ट नहीं पहनता है, बस और बस वही पहनता है और एक पैंट, दोनों पैंट को मैंने हटाया और वो टी शर्ट, मैं चिढ़ गई थी वो देखते देखते कपड़ा, सच में इतने मतलब ऐसा लग रहा था ना कि इसके पास है ही नहीं एकदम, बाकी सारे टी शर्ट छोटे हो रहे हैं और किसी और के हवाले जा रहे हैं, और ये है कि मतलब पूछिए मत आप। और आप लोगों ने पूछा था, मैं कमेंट आप लोगों को पढ़ रही थी कि जो दही बड़े मैं बनाई थी उसे गर्म पानी में डाला था स्टर्ब दही वाला, तो मैंने नहीं डाला था गर्म पानी में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, इस वजह से मैंने बस उसे दही में ही डाला है, प्लेट में डाल के दही डाला है। तो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा ये चीज़। और पता है यहाँ पे ना जो पेड़ है ना ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, गुलाब वाले पेड़, और इसमें कांटे जो रहते ना इसे कटवाना है मुझे, और मैं कितने दिनों से बोल भी रही हूँ कि थोड़ा सा इसे मतलब कट कर देंगे ना, तो ये बाहर जो निकल रहा है बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन देखते हैं कब तक होगा ये पेड़ और यहाँ पे जो है ये वाला बड़ा वाला पेड़। हाँ बेटा,
पानी डालूं पौधे में? नहीं, पानी खुद ही पड़ा हुआ है अभी, थोड़ा ना दे। जब पानी नहीं रहता है तब नहीं डालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, गुंगू को बस कहने की मतलब जल्दी रहती है और कुछ नहीं। तो चलिए फिर एक चीज और दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए ये सब फूल आ रहे हैं। अच्छा लगता है ना जब पौधा लगा और उसमें फूल आ जाता है, और ये सब छोटे छोटे पौधे मैं ही लगाई हूँ यहाँ पे। अच्छा लगता है, मुझे पता है हरे भरी चीज बहुत अच्छे लगते हैं, लगाना भी अच्छा लगता है और सींचना भी अच्छा लगता है। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।